रहमान रहीम सामिन कराम आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का नावल डैशिंग थ्री जिसके मुनफ़ हैं मज़हर कलीम एम में और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर तीन है मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इतला बर वक्त आप तक पहुँच सके इमरान और कैप्टन शकील दरबान के पीछे चलते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गए चंद कदम आगे एक और दरवाज़ा था जो बंद था दरबान ने दरवाजे के बाहर स्टूल पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर कोड वर्ड्स में कुछ कहने लगा चंद लम्हों तक वो जवाब सुनता रहा फिर उसने रिसीवर क्रेडल पर रखा और इमरान से मुड़कर कहने लगा जनाब सुल्तान साहब ड्यूटी से ऑफ होकर जा चुके हैं कब गए हैं इमरान ने चौंक कर पूछा तकरीबन दस पंद्रह मिनट हुए होंगे दरबान ने जवाब दिया तो क्या वो इस गेट से नहीं गुजरे कैप्टन शकील ने पूछा नहीं जनाब वो बैक गेट से जाते हैं क्योंकि उनकी रिहायश का वहाँ से नज़दीक पड़ती है दरबान ने जवाब दिया उनकी जगह ड्यूटी किसने संभाली है इमरान ने कुछ सोचते हुए पूछा हाशिम साहब दरबान ने जवाब दिया क्या सुल्तान साहब अपनी रिहायश गाह में होंगे इमरान ने दरबान से पूछा जी हाँ वो यहां से सीधा अपनी रिहाइश गह पर जाते हैं दरबान ने जवाब दिया डॉक्टर कमाल हुसैन इस वक्त कहाँ होंगे इमरान ने दूसरा सवाल किया डॉक्टर साहब भी अपनी रिहायश गाह में होंगे उनकी ड्यूटी दो घंटे बाद शुरू होगी दरबान ने तफसी बतलाते हुए कहा सुल्तान साहब और डॉक्टर कमाल हुसैन की रिहाइश गहों में कितना फ़ासला है इमरान ने एक सवाल किया दोनों के बंगले मुल्हिका हैं दरबान ने जवाब दिया ठीक है अब हमें बतलाओ कि उनकी रिहायश गाहें कहाँ हैं इमरान ने कहा और फिर दरबान ने उन्हें पूरी तफसील से उनकी रिहाइश गहों का पता बतला दिया चलो शकील पहले सुल्तान से मिल लें और फिर वो तेज़ी से कार में बैठ गए कार वापस हुई और चंद लम्हों बाद खासी तेज़ रफ्तारी से वो उनकी रिहायश गाहों की तरफ दौड़ी चली जा रही थी सुबह सादिक के आसार अब नमूदार होने लगे थे थोड़ी देर बाद वो रिहायश गाहों के करीब पहुंच गए सुल्तान के बंगले का नंबर बारह था इमरान ने कार बारह नंबर बगले के सामने रोकी फिर नीचे उतर कर गेट के बाहर मौजूद कॉल बेल का बटन दबा दिया चंद लम्हों तक इंतजार करने के बावजूद जब कोई रद्द अमल ना हुआ तो उसने दोबारा बटन दबा दिया और फिर उसे काफी देर तक दबाए रखा मगर कोई भी रद्द अमल ना हुआ वो सारी रात ड्यूटी पर रहा होगा कहीं आकर सो ना गया हो कैप्टन शकील ने कहा फिर भी इतनी नींद क्या इमरान ने तश्वीश भरे लहजे में कहा और फिर उसने चंद लम्हों तक इंतजार किया और जब कोई जवाब ना आया तो उसने फाटक पर जोर आजमाई की मगर फाटक अंदर से बंद था दूसरे लम्हे इमरान बंदर किसी फुर्ती से फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया अंदर से उसने फाटक खोल दिया और फिर कैप्टन शकील को आने का इशारा करते हुए तेजी से बंगले के बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया उसका एक हाथ जेब में रखे हुए रिवॉल्वर के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था बरामदे में जाकर उसने अंदर का दरवाज़ा जोर से खटखटाया मगर जब कोई जवाब ना आया तो उसने दरवाजे को जोर से दबाया दरवाजा खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हो गया मगर तमाम बंगला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था कैप्टन शकील भी कार पोर्च में छोड़कर अंदर आ गया था सुल्तान तो यहाँ आया ही नहीं यहाँ किसी भी आसार से मालूम नहीं होता कि वो यहाँ आया हो मगर फाटक अंदर से बंद था इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा मेरा ख़्याल है हमें डॉक्टर कमाल हुसैन को भी चेक कर लेना चाहिए कैप्टन शकील ने तजवीज़ पेश की और इमरान तेज़ी से बाहर की तरफ लपका और फिर गेट की तरफ से जाने के बजाय वो दरमियानी दीवार कूद कर कोठी नंबर तेरह के अंदर कूद गया मगर उसी लम्हे वो ठिठक कर रुक गया क्योंकि कोठी का गेट खुला हुआ था कैप्टन शकील भी अंदर आ गया था शकील तुम इमारत के अंदर डॉक्टर कमाल हुसैन को चेक करो इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और ख़ुद दौड़कर फाटक की तरफ़ गया फाटक से बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा मगर दूर और नज़दीक उसे कोई शख्स नजर नहीं आया अभी वो वहां खड़ा सोच ही रहा था कि कैप्टन शकील तेजी से भागता हुआ इमारत से बाहर निकला इमरान साहब डॉक्टर बिस्तर पर बेहोश पड़ा है उसके करीब ही एक सरिंज भी फरश पर टूटी पड़ी है कैप्टन शकील ने तेज तेज लहजे में बतलाया आओ मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई है और हुई भी अभी अभी है ये फाटक अभी बंद था सिर्फ हमारे अंदर जाने और वापस आने के दरमियान कोई उसे खोल कर बाहर निकला है इमरान ने कहा और फिर दौड़ता हुआ सुल्तान के बंगले में गया उसने बड़ी तेज़ी से कार बाहर निकाली और कैप्टन शकील को उसमें सवार करके उसने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी वो उस रिहायशी ब्लाक के गर्द एक चक्कर लगाना चाहता था चुनाचे जैसे ही उसकी कार एक मोड़ मुड़ी डॉक्टर कमाल हुसैन के बंगले की साइड से एक साया सा बाहर निकला और फिर पूरी तेजी से भागता हुआ सामने लेबार्ट्री की इमारत की तरफ भागने लगा उसके भागने की रफ़्तार खासी तेज थी और वो भागते भागते दाए तरफ भी देखता जाता था असल लेबार्ट्री तो काफ़ी दूर थी मगर उसके मलहिका दफातर दूर दूर तक फैले हुए थे जल्द ही वो साया एक मुल्हिका दफ्तर के बरामदे में पहुंचकर एक सतून की आड़ में हो गया उसी लम्हे दाएं तरफ रिहायशी ब्लॉक की साइड से इमरान की कार बरामद हुई फिर वो कार तेज़ी से लेबार्ट्री की सिमत दौड़ने लगी कार उस दफ्तर के सामने से होकर आगे बढ़ती चली गई जैसे ही कार आगे बढ़ी वो साया सतून की आड़ में से निकला और फिर दफ्तर की साइड की दीवार से लगकर उसकी पुष्त की तरफ भागने लगा दफ्तर की इमारत खत्म होते ही वो एक और दफ्तर की आड़ में हो गया और फिर वहां से भाग कर वह असल लेबार्ट्री की पुश्त की तरफ आ गया उसी लम्हे उसे इमरान की कार लेबॉट्री की पुश्त की तरफ से घूमती हुई इधर आती दिखाई दी वो फौरन ही एक कूड़े के ड्रम के पीछे दुबक गया कूड़े का ड्रम दीवार के साथ लगा हुआ था फिर जैसे ही कार वहाँ से बाएं तरफ मुड़ गई वो तेजी से उठा और फिर बेतहाशा भागता हुआ उस मैदान को क्रॉस करने लगा जो दूर तक फैला हुआ था और जिसके आखिर में खारदार तारों की कद आदम बाढ़ मौजूद थी बाढ़ की दूसरी तरफ मिलिट्री के ट्रक कतारों में खड़े साफ नजर आ रहे थे साय के कदमों में बिजली किसी तेजी थी उधर इमरान पागलों की तरह कार दौड़ाता हुआ लेबार्ट्री की इमारतों के गिर्द चक्कर लगा रहा था आप क्या चेक करना चाहते हैं आखिर कैप्टन शकील से ना रहा गया तो उसने पूछ ही लिया कोई मशकूक आदमी इमरान ने तेज लहजे में जवाब दिया अब तक कोई नज़र नहीं आया कैप्टन शकील ने जवाब दिया हाँ अब मैं सोच रहा हूं कि वो शख्स किसी करीबी कोठी में छुप गया होगा इमरान ने रिहायशी बलाकों की तरफ कार मोड़ते हुए कहा मगर दूसरे लम्हे उसने एक बार फिर कार को तेज़ी से लेबार्ट्री की इमारत की तरफ टर्न कर दिया फिर कहा कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा मैं एक चक्कर और लगाना चाहता हूँ मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुलजिम मेरे हाथ से फिसला जा रहा है इमरान ने इंतहाई स्पाट लहजे में कहा और फिर चक्कर काट कर वो जैसे ही लेबार्ट्री की पुश्त की तरफ आया दूसरे लम्हे इमरान के साथ साथ कैप्टन शकील भी चौंक पड़ा क्योंकि उन्होंने काफी दूर एक साय को बेतहाशा खारदार तारों की तरफ भागते हुए देखा था वो जा रहा है कैप्टन शकील ने कहा हाँ मैंने देख लिया इमरान ने दांत भींचते हुए कहा और फिर उसने कार का रुख उधर किया और एक्सीटर पर पैर का पूरा दबाव डाल दिया कार आंधी और तूफान की तरह भागती हुई लम्हा बा लम्हा उस सय के करीब होती चली गई साय ने भागते भागते मुड़कर कार की तरफ देखा और फिर उसने अपने भागने की रफ्तार मजीद तेज कर दी अब वो खारदार तारों से बीस गज दूर था अभी इमरान की कार उससे खासी दूर थी कि वो ये देख हैरान रह गए कि उस साय ने खारदार तारों से चंद गज़ के फासले से पूरी कुत से भागते हुए जंप लगाया और फिर वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ खारदार तारों को ऊपर से क्रॉस करके दूसरी तरफ खड़े ट्रक की छत पर जा गिरा फिर उछल दूसरी तरफ कूद गया उसी लम्हे ट्रक ने एक झटका खाया और कमान से निकले हुए तीर की तरह लाइन से निकलकर आगे बढ़ गया ये सुल्तान था मैंने उसे देख लिया है कैप्टन शकील ने इमरान को बतलाया उसी लम्हे इमरान की कार भी खारदार तारों के करीब पहुंच गई इमरान ने कार वहीं रोकी और फिर बिजली किसी तेज़ी से बाहर निकल कर उसने जंप लगाया और कार की छत पर चढ़ गया और फिर दूसरे जंप के साथ वो भी उड़ता हुआ खारदार तारों की दूसरी तरफ जा गिरा मगर ट्रक इतनी देर में खासी दूर जा चुका था इमरान नीचे गिरते ही तेज़ी से उठा और फिर जेब से रिवॉल्वर निकाल कर और बेतहाशा ट्रक की तरफ भागा ठहरो ठहरो कौन हो अचानक मुख्तफ आवाजें उसके कानों से टकराई फिर दस पंद्रह फौजी मुख्तलिफ समतों से उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भाग पड़े और जाता हुआ ट्रक अब मुड़कर स्टोर के गेट के करीब पहुंच चुका था इधर वो फ़ौजी भी चीखते हुए इमरान के क़रीब पहुंच गए खबरदार कोई मेरे सामने ना आए इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर लहराते हुए चीख कर फौजियों से कहा मगर वह फौजी थे कोई आम आदमी तो थे नहीं कि रिवालवर से खौफजदा होकर रुक जाते उन्होंने कोई परवाह ना की और चंद लम्हों बाद वह इमरान को घेर चुके थे इमरान ने उन्हें डॉज देने की कोशिश की मगर कब तक फौजियों की तादाद लम्हा बल्हा बढ़ती जा रही थी न जाने वो कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे थे और फिर थोड़ी देर की आंख मचोली के बाद दस बारह फौजी इकट्ठे इमरान पर पल पड़े उधर इमरान ने भी जदोजहद तर्क कर दी क्योंकि जाहिर है ट्रक इतनी देर में गेट क्रॉस कर चुका था इमरान तो कार की छत पर चढ़कर कर तारों को क्रॉस कर गया था अलबत् कैप्टन शकील वहीं खड़ा हो गया था उसने जब ट्रक को इमरान के हाथों से निकलते और इमरान को फौजियों के घेरे में आता देखा तो उसने बड़ी फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोला और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी चला दी कमान से निकले हुए तीर की तरह कार झटका खाकर आगे बढ़ी और फिर कैप्टन शकील ने गाड़ी मोड़कर उसका रुख बैरूनी गेट की तरफ कर दिया ट्रक का नंबर उसके जहन में था और वो आंधी और तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ बैरूनी गेट के करीब पहुंचा गेट से अभी वो काफ़ी दूर था कि उसने ज़ोर ज़ोर से हारन बजाना शुरू कर दिया उसका मकसद था कि उसके वहाँ जाने तक दरबान दरवाज़ा खोल दें मगर पहरेदार भला इस तरह कैसे गेट खोलते उन्होंने स्टेन गर्ने सीधी कर लीं अब अगर कैप्टन शकील वहाँ रुक कर उनसे गेट खुलवाता तो जाहिर है ट्रक वो जिंदगी भर नहीं पकड़ सकता था चुनाचे उसने रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया और फिर उसने दांत भींच कर एक्सीटर पर दबाव और ज़्यादा बढ़ा दिया जब कार तूफान की तरह दौड़ती हुई गेट के करीब पहुंची तो उसने अपना सर नीचे झुका लिया और कार को गेट से टकरा दिया स्पोर्ट्स कार पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई गेट से टकराई और फिर एक जोरदार धमाके से वो गेट को तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई गेट क्रास करते हुए कैप्टन शकील ने फुर्ती से कार को मोड़ा और फिर उसने कार को इंतहाई रफ्तार पर दौड़ाया पहरेदारों ने उस पर फायरिंग की कोशिश तो की मगर अफरा तफरी में गोलियां सिर्फ कार की बॉडी से टकरा कर रह गईं

सर्कुलर रोड पर पहुंची तो उसने दूर एक मिलिट्री ट्रक को जाते देखा अब इतनी दूर से तो वो उसका नंबर चेक नहीं कर सकता था और अगर वहां जाने के बाद वो कोई और ट्रक निकला तो फिर उसे वापस आना पड़ेगा और तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी मगर इस स्पाट सड़क पर दूर दूर तक वही एक ही ट्रक नज़र आ रहा था इसलिए कैप्टन शकील ने उसका पीछा करने की ही ठानी चुनाचे एक लम्हे के तवकफ़ के बाद उसने कार उस ट्रक के पीछे डाल दी और फिर लम्हा लम्हा वो ट्रक के करीब होता चला गया अभी वो ट्रक से काफ़ी दूर था कि ट्रक एक साइड रोड पर मुड़ गया और फिर जब कैप्टन शकील की कार उस रोड पर मुड़ी तो उसी पूरी कुत से ब्रेक लगाने पड़े और इतनी तेज़ रफ्तारी में फुल ब्रेक लगाने पर कार किसी लट्टू की तरह सड़क पर घूम गई ट्रक मेन रोड से 20 गज़ आगे सड़क के किनारे खड़ा हुआ था जैसे ही उसकी कार रुकी वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और तेज़ी से ट्रक की तरफ बढ़ा मगर उसे वहां जाकर मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रक खाली था उसने ट्रक के इंजन पर हाथ रखकर देखा तो इंजन अभी तक गर्म था ट्रक का नंबर भी वही था जो उसके जहन में मौजूद था उसने इधर उधर देखा उसी लम्हे दो मोटरसाइकिल सवार सिक्योरिटी सार्जेंट भी वहां पहुंच गए उन्होंने रिवॉल्वर निकाल कर कैप्टन शकील को कवर कर लिया कैप्टन शकील ने जेब से अपना पीए वाला कार्ड निकाल कर उनके सामने करते हुए कहा मैं एक मुजरिम का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ मुजरिम कारदार तारें क्रॉस करके मिलिट्री स्टोर के इस ट्रक के ज़रिए भागे हैं मगर यहाँ ट्रक खाली है कैप्टन शकील के लहजे में सख्ती थी सिक्योरिटी सार्जेंटों ने कार्ड को बगौर देखा और फिर उन्होंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा हमें हुक्म कीजिए मुजरिम का हुलिया बतलाइए होलिया यही है कि वो नाइट इंचार्ज सुल्तान था वो डॉक्टर कमाल हुसैन को बेहोश करके फ़रार हुआ है कैप्टन शकील ने जवाब दिया सुल्तान का नाम सुनकर वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े इतने में कैप्टन शकील ने एक आदमी को मिलिट्री एरिया की खारदार तारों के पीछे कुर्सी पर बैठे देखा वो तेजी से लपक कर उसकी तरफ आ गया जनाब आपने उस ट्रक से उतरकर किसी को जाते देखा है कैप्टन शकील ने बड़े मौतबाना लहजे में उससे पूछा वो आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था उसने चौंक कर देखा फिर उसने कुर्सी से उठते हुए कैप्टन शकील को जवाब दिया जी हाँ जनाब इस ट्रक से दो आदमी उतरे थे एक सिविलियन और दूसरा फौजी वो तेज तेज दौड़ते हुए बाएं तरफ की बाई रोड पर चले गए थे उनके तेज दौड़ने की वजह से मैंने चौंक कर उन्हें देखा और कैप्टन शकील ने एक सार्जेंट को बाजू से पकड़कर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा और खुद उछल कर मोटरसाइकिल पर बैठते हुए उसे हुक्म दिया इस कार का ख्याल रखना और तुम मेरे पीछे आओ और उसके साथ ही उसने मोटरसाइकिल उस बाई रोड की तरफ बढ़ा दिया दूसरा सार्जेंट भी उसके पीछे था बाई रोड पर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद एक मोड़ पर उन्होंने दो मिलिट्री पुलिस के आदमियों को जमीन पर जख्मी पड़े हुए देखा कैप्टन शकील ने बड़ी तेजी से उनके करीब जाकर ब्रेक मारी उन दोनों के सीनों पर गोलियां मारी गई थी उनमें से एक के सीने में अभी तक खून बह रहा था साफ जाहिर था कि वो अभी जिंदा है कैप्टन शकील ने फुर्ती से मोटरसाइकिल स्टैंड किया फिर उस सिपाही के करीब जाकर झुक गया जिसके सीने से खून बह रहा था वो ना सिर्फ जिंदा था बल्कि कदरे होश में भी मालूम होता था तुम्हें किसने गोली मारी है कैप्टन शकील ने उससे पूछा सामयी ने कराम आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रही हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इतला बर वक्त आप तक पहुंच सके जख्मी सिपाही चंद लम्हों तक अपनी रही सही कुत मुजतम करता रहा फिर उसके लब हिले और कैप्टन शकील ने अपना कान उसके मुंह से लगाया जख्मी सिपाही अटक अटक कर कह रहा था कि वो दो आदमी थे उनमें से एक फौजी और दूसरा सिविलियन था हमने उन्हें भागते देख कर रोका तो उन्होंने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से हमें शूट कर दिया तुमने देखा कि वो यहाँ से कहाँ गए हैं कैप्टन शकील ने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा हाँ गिरते वक्त मैंने इतना देखा कि वो दोनों बाएं तरफ वाली सड़क पर मुड़ गए थे शायद वो वहाँ मौजूद तीन मंजिला ठेकेदार बिल्डिंग में न गए हों क्योंकि उस तरफ वही एक इमारत है जहां कोई छुप सकता है सिपाही ने अटकते अटकते तफसील बतलाई ये सुनते ही कैप्टन शकील उठ खड़ा हुआ और करीब खड़े सार्जेंट से मुखातिब होकर कहने लगा सार्जेंट तुम इस सिपाही को हस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करो मैं उन्हें चेक करता हूं। उसके बाद वो उछल मोटरसाइकिल पर बैठा और फिर उसकी मोटरसाइकिल राइफल से निकली हुई गोली की तरह तकरीबन उड़ती हुई आगे बढ़ गई उसने पूरी रफ्तार में मोटरसाइकिल को दाएं तरफ मोड़ दिया और फिर दूर उसे तीन मंजिला इमारत नजर आ ही गई उसने एक्सीटर और घुमाया और उसकी मोटरसाइकिल लम्हा बम्हा तीन मंजिला इमारत के करीब होने लगी अभी इमारत सौ डेढ़ सौ गज़ दूर थी कि अचानक साई की हल्की सी आवाज हुई और दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाके के साथ मोटरसाइकिल का अगला टायर ब्रस्ट हो गया और उसके साथ ही इंतहाई रफ्तार में दौड़ती हुई मोटरसाइकिल ना सिर्फ खुद उलट गई बल्कि कैप्टन शकील को भी उसने उछाल दिया और कैप्टन शकील कलाबाजियां खाता हुआ सड़क की दूसरी तरफ मौजूद गहरे खड्डे में जा गिरा जैसे ही डी वन छलांग लगाकर मिलिट्री ट्रक की छत पर गिरा वो फिसल कर दूसरी तरफ जमीन पर उतर गया और मिलिट्री ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मौजूद डी टू ने ट्रक आगे बढ़ा दिया उसी लम्हे डी वन ट्रक की खुली हुई खिड़की से अंदर आ गया और उसने डी टू से हाँपते हुए कहा जल्दी करो डी टू निकल चलो एक एक लम्हा कीमती है आप ट्रक की पिछली तरफ छुप जाएं डी टू ने ट्रक की स्पीड बढ़ाते हुए कहा और डी वन उछल कर ट्रक की पिछली तरफ दुबक गया ट्रक की साइडों में लगे हुए कैनूस की झरी से वो पिछला मंजर साफ देख रहा था उसने देखा कि उसके पीछे आती हुई कारदार कार, तारों के करीब आकर रुकी और फिर एक नौजवान बिजली किसी तेजी से बाहर निकला पलक झपकने में वो कार की छत पर चढ़ा और फिर जंप लेकर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कारदार तारों के ऊपर से होता हुआ स्टोर कंपाउंड में आ गिरा नीचे गिरते ही वो सर्कस के किसी माहिर की तरह उछला और फिर पूरी तेजी से ट्रक के पीछे दौड़ने लगा उसने जेब से रिवॉल्वर भी निकाल लिया था वो शायद ट्रक के पहियों को निशाना बनाना चाहता था मगर डी जानता था कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि ये मिलिट्री ट्रक था इसलिए उसके टायरों पर हिफाजती बुलेट प्रूफ शेड लगे हुए थे मगर जिस रफ्तारी से वो नौजवान ट्रक के पीछे दौड़ रहा था उससे उसे खतरा लाक हो गया अगर उसे ना रोका गया तो वो जल्द ही ट्रक को कैच करेगा और मिलिट्री स्टोर का गेट अभी काफी दूर था मगर चंद लम्हों बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंगने लगी क्योंकि उसके गिरने का धमाका सुनकर बैरकों से कई फौजी निकल आए थे और सब शोर मचाते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे अब डी वन हो गया कि नौजवान उन सिपाहियों से बचकर उन तक नहीं पहुंच सकेगा और वो बसानी गेट क्रॉस कर जाएंगे होशियार गेट आ रहा है डी टू की सरगोशी सुनाई दी और डी वन ट्रक के फरश के साथ बिल्कुल चिपक गया ट्रक गेट पर रुक गया एक पहरेदार आगे बढ़ा और डी टू ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया दूसरे दरबान ने उछक कर ट्रक की पुश्त की तरफ से एक सरसरी नज़र अंदर डाली और फिर ट्रक के सामने की तरफ चल दिया ओके दूसरे दरबान ने पहले वाले से कहा और पहले वाले ने कागज़ का एक टुकड़ा फाड़कर अपने पास रख लिया और दूसरा डी टू के हाथ में पकड़ाते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया उसके साथ ही गेट खोल दिया और डी टू बड़े इत्मीनान से ट्रक आगे बढ़ाता हुआ गेट क्रॉस कर गया गेट क्रॉस करके उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड बढ़ाता चला गया आ जाए खतरा टल गया है डी टू ने पीछे मुड़कर इतमान भरे लहजे में कहा और डी वन उठ कर बैठ गया खुदा का शुक्र है कि आज हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं डी वन ने इतमान का तवील सांस लेते हुए कहा फार्मूले ले आए डी टू ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ फार्मूला मेरी जेब में है डी वन ने जेब को थपथपाते हुए कहा यह कार कैसे पीछे लग गई ये कौन थे डी टू ने संजीदगी से पूछा बस बाल बाल बचा हूँ मैं जब डॉक्टर कमाल हुसैन को सी डब्ल्यू का इंजेक्शन लगा रहा था कि ये कार सुल्तान की कोठी के फाटक पर आकर रुकी ये जब उस कोठी के अंदर गए तो मैं बाहर निकल आया और फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें धोखा देता हुआ लेबार्ट्री की पुष्ट पर आया यहाँ मैं दौड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा था कि कार वालों ने खुले मैदान की वजह से मुझे चेक कर लिया डी वन ने तफसील बतलाते हुए कहा मगर इसमें थे कौन क्या लेबार्ट्री की सिक्योरिटी फोर्स थी डी टू ने सवाल किया अरे नहीं लेबार्ट्री की सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ गेट्स या लेबार्ट्री के अंदर ही तैनात रहती है उनमें से एक को मैंने आवाज़ से पहचान लिया है वो सर जमशेद का पीए था मगर उसकी शख्सियत से मैं मशकूक हूँ उसने जिस अंदाज में मुझसे सवाल किए हैं उससे साफ ज़ाहिर होता था कि वो पिए के बजाय कोई और था शायद कोई मिलिट्री सीक्रेट एजेंट हो डी वन ने जवाब दिया उनका ट्रक अभी मुड़कर उस सर्कुलर रोड पर आ गया था जिधर से एक सड़क रिसर्च सेंटर के मेन गेट की तरफ जाती थी डी वन ने एक नजर उस सड़क पर डाली और दूसरे लम्हे वो दूर से आती हुई एक कार को देख कर चौंक पड़ा अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो वही कार इस सड़क पर आ रही है डी वन ने बुड़बुड़ाते हुए कहा इतनी जल्दी वो कैसे आ सकते हैं गेट पर खाना पूरी वगैरह करने के लिए खासा वक्त चाहिए डी टू ने मुतमईन लहजे में कहा मगर उसके साथ ही उसने स्पीड बढ़ा दी डी वन की नजरें अब पीछे सड़क पर लगी हुई थी और फिर उसे वो कार सर्कुलर रोड पर चढ़ती हुई नजर आई कार एक लम्हे चौक पर रुकी और फिर तेज़ी से इधर मुड़ गई जिधर इनका ट्रक जा रहा था कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ी चली आ रही थी क्योंकि उसका ह्यौला तेज़ी से वाजे होता जा रहा था जब कार पूरी तरह वाजे हो गई तो वो बुरी तरह उछल पड़ा डी टू यह वाकई वही कार है बहुत तेज़ लोग मालूम होते हैं हमें फौरन कोई बंदोबस्त करना चाहिए वगरना कार हमें जल्द ही पकड़ लेगी डी वन ने डी टू से मुखातब होकर कहा आगे मोड़ आ रहा है हम वहाँ ट्रक से उतर कर निकल जाएंगे हमारी मंजिल गो यहाँ से करीब है मगर वहां तक पहुँचने से पहले कार हमें पकड़ लेगी डी टू ने जवाब दिया और फिर उसने मोड़ आते ही ट्रक तेजी से मोड़ कर दस बीस गज दूर जाकर रोक दिया और फिर वो दोनों तेजी से नीचे उतर आए उस तरफ बाएं तरफ डी टू ने कहा और फिर वो दोनों तेजी से बाएं तरफ वाली सड़क पर भागने लगे अभी सुबह हुई थी इसलिए ट्रैफिक ना होने के बराबर थी वो दोनों तेजी से भागते हुए जब अगले चौक पर गए तो अचानक मोड़ से दो मिलिट्री पुलिस के सिपाही सामने आ गए हाल्ट उनमें से एक ने चीख कर डी टू को हुक्म दिया मगर ये उन दोनों के रुकने का मौका नहीं था उन्हें खतरा था कि किसी भी लम्हे कार वाले उनके सर पर पहुंच सकते हैं चुनाचे पलक झपकने में डी टू ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और इससे पहले कि वह दोनों अपने बचाव की कोई तदबीर करते डी टू ने ट्रिगर दबा दिया और उसके रिवॉल्वर से निकली हुई दो गोलियां उन दोनों के सीनों में पेवस्त हो गई और वो उलट कर नीचे गिरे और तड़पने लगे भागो डी वन ने कहा और फिर वो तेजी से भागते हुए मोड़ मुड़े और उनका रुख उस रोड पर मौजूद तीन मंजिला इमारत की तरफ था जल्द ही वो उस तीन मंजिला इमारत के दरवाजे पर पहुंच गए वो दोनों बुरी तरह हाँप रहे थे उन्होंने इधर उधर देखा और सड़क पर किसी को न पाकर वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए ये तीन मंजिला इमारत कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें मुख्तलि फर्मों के दफ़ातर थे इनमें से ज़्यादातर दफातर मिलिट्री ठेकेदारों के थे इसलिए उर्फ़ आम में इसको ठेकेदार बिल्डिंग कहा जाता था वो दोनों सीढ़ियाँ पढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर आ गए और फिर डी टू ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए तुम ज़रा बाहर चेक करो मैं अपना मेकअप तब्दील कर लूँ फिर मैं ख्याल रखूंगा और तुम मेकअप करना डी वन ने डी टू से मुखातब होकर कहा और ख़ुद बाथरूम में घुस गया डी टू ने खिड़की खोलकर उसके सामने पड़े हुए पर्दे को जरा सा हटाया और बाहर देखने लगा अभी उसे वहां खड़े ज्यादा से ज़्यादा दस मिनट हुए होंगे कि अचानक उसने मोड़ पर से एक मोटरसाइकिल सवार को तेज़ी से मुड़ते देखा मोटरसाइकिल सिक्योरिटी फोर्स का था मगर उस पर मौजूद सवार सिविलियन कपड़ों में था और मोटरसाइकिल सवार की नज़रें उस इमारत पर जमी हुई थीं और पूरी रफ्तार से बिल्डिंग की तरफ दौड़ा चला आ रहा था डी टू ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और दूसरे लम्हे वो खिड़की से हटा और फिर उसने कमरे के कोने में मौजूद साइलेंसर लगी राइफ़ल उठाई और फिर वो खिड़की के करीब आ गया उसने राइफ़ल की नाल खिड़की से बाहर निकाली अब मोटरसाइकिल सवार बिल्डिंग से सौ डेढ़ सौ गज़ दूर था डी टू ने निशाना बांधा और ट्रिगर दबा दिया गो उसने तो निशाना मोटरसाइकिल सवार का लिया था मगर उसी लम्हे मोटरसाइकिल ने सड़क पर जंप खाया और दूसरे लम्हे गोली ने एक धमाके के साथ टायर को फाड़ दिया पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई मोटरसाइकिल उलट गई और फिर उस पर मौजूद सवार कलाबाजी खाता हुआ सड़क के दूसरे किनारे खड्ड में जा गिरा जिस D2 ने ट्रिगर दबाया था उसी लम्हे डी वन कमरे से बाहर आया उसका ना सिर्फ हुलिया ही बदला हुआ था बल्कि वो लिबास भी तब्दील कर चुका था टायर फटने का धमाका डी वन ने भी सुना था यह क्या कर दिया डी वन भागता हुआ खिड़की के पास आया और फिर उसने सवार को कलाबाजियां खाते हुए खड में गिरते देखा ये वही पिए था मगर इसकी क्या जरूरत थी डी वन ने तल्ख लहजे में कहा बस मेरा जहन रेड हो गया था डी टू ने फीकी फीकी हंसी हंसते हुए कहा मुझे तुम्हारे जहन को मुस्तकिल ग्रीन करना पड़ेगा खाम खा की कत्ल वारत हमारे मिशन के खिलाफ है डी वन ने उसके हाथ से राइफ़ल छीनते हुए इंतहाई गुसीले लहजे में कहा सॉरी फॉर दिस डी टू ने निदामत आमेज लहजे में कहा जाओ जल्दी करो मेकअप तब्दील हमें जल्द अज जल्द यहां से निकल जाना चाहिए डी वन ने जेब से रुमाल निकाल कर राइफल को साफ करते हुए कहा डी टू खामोशी से बाथरूम में घुस गया डी वन ने राइफल साफ करके दोबारा कोने में रख दी और खिड़की से बाहर झांकने लगा मोटरसाइकिल अभी तक सड़क पर पड़ा हुआ था और उसका सवार खड़ से बाहर नहीं निकला था वो समझ गया कि मोटरसाइकिल वाला या तो शदीद ज़ख्मी है या फिर बेहोश हो चुका है वैसे उसकी मौत के इम्कान भी रद्द नहीं किए जा सकते थे डी टू ने शायद बेहद फुर्ती से काम लिया था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा छः सात मिनट वो बाथरूम में रहा होगा फिर वो निकल आया वो भी मुकम्मल तौर पर नए रूप में उन दोनों को नज़दीक से देख कर कोई भी नहीं पहचान सकता था कि वो पहले वाले अफ़राद हैं जहाँ जहाँ हाथ लगे हैं वो सब साफ कर दो डी वन ने तहक माना लहजे में कहा और डी टू ने जेब से रुमाल निकाल कर वह तमाम जगहें साफ़ करने शुरू कर दीं इससे फारिग होकर वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े और इससे पहले कि वो दरवाजे के करीब पहुंचते अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और वो दोनों उछल पड़े जल्दी करो दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा दरवाजे के दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त आवाज आई और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे अब दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होनी शुरू हो गई थी दरवाजा खोलो वही चीखती हुई आवाज सुनाई दी और डी वन खिड़की की तरफ दौड़ा मगर खिड़की के बाहर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से निकला जा सकता हो सिवाय एक सूरत के कि वो दोनों तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर छलांग लगा दें और उसका जो नतीजा निकलना था वो उन दोनों पर साफ आया था अब दरवाजे पर जोर जोर से लातें पड़ने लगीं और दरवाजा कड़कड़ाने लगा ऐसा मालूम होता था जैसे चंद लम्हों में दरवाज़ा टूट जाएगा इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोचते दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से टूटकर नीचे आ गिरा और दोनों बे उछल पड़े इमरान ने जब जद्दोजहद बंद कर दी तो फ़ौजियों ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया कौन हो तुम एक फ़ौजी ने करख्त लहजे में सवाल किया अपने ऑफिसर से बात करवाओ वगरना एक ख़तरनाक मुजरिम निकल जाएगा वो रिसर्च सेंटर का एक अहम राज लेकर जा रहा है इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया बकवास मत करो हमने तो कोई मुजरिम आता नहीं देखा फ़ौजियों ने जवाब दिया इतने में शोर शराबा सुनकर स्टोर के आला अफसर भी वहां पहुंच गए फौजियों ने इमरान को उनके सामने पेश करते हुए तमाम हालात बतला दिए कौन हो तुम एक आला अफसर ने डांट कर इमरान से कहा और इमरान ने जवाब में अपना कॉलर उलट दिया दूसरे लम्हे आला अफ़सर ने बोखला कर इमरान को सलूट मार दिया और उसके सलूट मारते ही उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम फौजी अटेंशन हो गए सर माफ़ कीजिएगा हमें मालूम नहीं था आला अफसर ने इंतहाई मौतबाना और निदामत आमीज़ लहजे में जवाब दिया तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल तो होगा जल्दी ले आओ मुजरिम तुम्हारे ट्रक में बैठ कर निकल गया है इमरान ने तेज लहजे में इस ऑफिसर को हुक्म देते हुए कहा और ऑफिसर ने एक फ़ौजी को मोटरसाइकिल ले आने का हुक्म दिया चंद लम्हों में मोटरसाइकिल पेश कर दिया गया बाकी बातें बाद में होंगी इमरान ने जवाब दिया और उछल कर मोटरसाइकिल पर बैठ गया दूसरे लम्हे वो तीर की तरह उड़ता हुआ मेन गेट की तरफ पहुँच गया आला अफसर ने दूर ही से उन्हें कह दिया था इसलिए जैसे ही इमरान नज़दीक आया उन्होंने गेट खोल दिया और इमरान मोटरसाइकिल दौड़ाता बाहर निकल गया मिलिट्री स्टोर के सामने मौजूद सड़क दूर दूर तक खाली नज़र आ रही थी इमरान पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल उड़ाता आगे बढ़ा चला जा रहा था थोड़ी देर बाद वो उस चौक पर पहुंच गया जहां से रिसर्च सेंटर की सड़क उस रोड को क्रॉस करती थी इमरान चंद लम्हों के लिए वहां रुका इधर उधर देखा और फिर अंदाज़ा लगाकर उसने सामने का रुख किया क्योंकि दूसरी तरफ जाने वाली सड़क सिर्फ मिलिट्री पावर हाउस की तरफ जाती थी जाहिर है उनका उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता उसने मोटरसाइकिल का एक्सीटर पूरी तरह घुमाया और मोटरसाइकिल राइफ़ल से निकली हुई गोली की तरह उड़ती चली गई सामयीन कराम आप सुन रहे थे इमरान सीरीज़ का नावल डैशिंग थ्री जिसके मुसन्फ़ हैं मजहर कलीम एम में और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर तीन थी मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इतलाह बर वक्त आप तक पहुँच सके